सो वेल हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक पोस्ट। आज के इस वीडियो में हम आपको पांच ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जिससे कि आपका यूट्यूब चैनल बहुत जल्दी ग्रो होगा। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजबल होने वाले वीडियो में इन तक बने रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हाँ, जिससे अनुज यादव, वेलकम बैक टू माई चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक को साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना। तो दोस्तों, ये अगर आप पाँच टॉपिक्स को फॉलो करते हो तो दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल जल्दी से ग्रो करेगा। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कौन कौन से वो टॉपिक हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को पूरा फॉलो करते हैं तो आपका यूट्यूब चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो करेगा। ये टॉपिक, ये वीडियो नए यूट्यूबर के लिए है। अगर जो नए यूट्यूबर हैं तो उनको ये पांच ट्रिक्स फॉलो करने चाहिए जिससे कि उनका यूट्यूब चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो होगा और जल्दी से जल्दी उनके चैनल को व्यूज आएंगे और सब्सक्राइबर भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा कि सबसे पहले जब अपने चैनल को ओपन करें, सबसे पहले आपको अपने चैनल के सब्सक्राइबर को हाइड कर देना है, जिससे कि आपके चैनल पर, जो आपके चैनल पर कोई नया व्यूअर आएगा तो सबसे पहले आपके चैनल पर आपके सब्सक्राइबर देखता है। अगर आपके चैनल पर सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं तो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। अगर आपके चैनल पर सब्सक्राइबर कम है तो आपके चैनल को वो सब्सक्राइब नहीं करता है, क्योंकि वो सोचता है इसके पास तो कोई नॉलेज है ही नहीं, तो इसीलिए आपको वो सब्सक्राइब नहीं करता। क्योंकि आपके पास चाहे जितना भी नॉलेज हो तो आपके सब्सक्राइबर को देखकर वो आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है। सो दोस्तों, दूसरा टॉपिक हमारा ये है कि आपको सबसे पहले अपने चैनल को वेरीफाई करना होगा। अगर अपने चैनल को वेरीफाई नहीं करते तो आप अपने चैनल पर 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पाओगे और साथ ही साथ अपने चैनल पर थंबनेल भी नहीं लगा पाओगे। तो दोस्तों, अगर अपने चैनल पर थंबनेल नहीं लगा पाते हो तो ये सबसे बड़ी गलती आपकी है, क्योंकि अगर आप अपने वीडियो पर थंबनेल नहीं लगाओगे तो आपकी वीडियो चलेगी ही नहीं, ना उस पर व्यूज़ आएंगे, ना इस पर वॉच टाइम, ना कुछ भी नहीं होगा उस वीडियो का। तो दोस्तों दूसरा टॉपिक हमारा ये था। चलिए तीसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सो दोस्तों, तीसरा टॉपिक हमारा ये है कि आपको अपने चैनल पर वीडियो का रूटीन बना लेना है कि हमको कब वीडियो डालना है। अगर आपने अगर आप अपने चैनल पर रूटीन बना लेते हो कि हमको आज 12 बजे वीडियो अपलोड करनी है अपने चैनल पर, तो दोस्तों आपको डेली आपको अपनी वीडियो को 12 बजे ही अपलोड करनी होगी, जिससे कि आपका जो भी व्यूअर सब्सक्राइबर होगा उससे कि उसको आइडिया रहेगा कि आपको आपकी वीडियो इस टाइम आने वाली है। तो दोस्तों आपको ये ज़रूर करना है अपने थंबनेल पर। तो दोस्तों आपको अपने थंबनेल पर क्लिक बेट नहीं करना। अगर आपने थंबनेल पर क्लिक बेट करते हैं तो आपके चैनल पर जो भी व्यूअर आपकी वीडियो को देखेगा तो आपकी वीडियो पूरी वॉच नहीं करेगा। आपकी वीडियो, मान लीजिए आपकी वीडियो 5 मिनट की है तो वो 1-2 मिनट की ज़्यादातर देखेगा, तो बस आपकी उतनी ही वॉच टाइम मिलेगा बस। तो दोस्तों आपको ऐसा भी नहीं करना कि आपकी वीडियो पर वॉच टाइम भी ना आए। तो आपको ऐसी वीडियो बनाना है जिससे कि ऑडियंस आपकी वीडियो को लास्ट तक देखे। ऐसा कंटेंट देना है कि जिससे कि ऑडियंस को आपकी कंटेंट समझ में आए और अच्छा लगे। तो दोस्तों आपको ऐसा कंटेंट बनाना है। सो दोस्तों, पांचवा टॉपिक हमारा ये है कि आपको अपने चैनल पर किसी भी हैकिंग से रिलेटेड, आपको अपने चैनल पर वीडियो नहीं डालनी। व्हाट्सएप हैक करना, फेसबुक हैक करना, किसी भी हैक करने की चीज़ को आपको अपने वीडियो में नहीं डालना। अगर आप ऐसा करते हैं तो YouTube आपकी वीडियो पर क्लेम दे सकता है। तो दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना कि आपका चैनल पे क्लिक हो, आपके चैनल पर YouTube स्ट्राइक दे दे। अगर आपके चैनल पर स्ट्राइक आता है तो आपके चैनल पर मोनेटाइजेशन होने में आपकी दिक्कत आने लगती है। तो दोस्तों आपको ऐसा अगर करते हो तो आपके चैनल मोनेटाइज भी नहीं हो सकता है। अगर आप ऐसा करते हो आपका पूरा चैनल बर्बाद हो जाएगा। सो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।